हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करते चलें चैनल को और शेयर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज मैं थोड़ा हटके बात करना चाह रहा हूं। दोस्तों, इस कोरोना काल में न केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही परेशान किया है, बल्कि इस पूरे भारत और इस पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने काफ़ी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव को भी शर्मसार किया है। तो दोस्तों, न केवल बेरोजगारी की समस्या, बल्कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कई ऐसे जो दरिंदे हैं और जो ऐसे कानून के भक्षक हैं जिन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही भगवान का डर है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हाथरस की मनीषा जी की, जिनकी हत्या कर दी गई कुछ बदमाशों के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। तो उनके संबंध में जो भारत की महिला हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है इस मीडिया के बारे में, इस गवर्नमेंट के बारे में। तो दोस्तों, सुने आप उनकी ये बातें और विचार करें। काफ़ी ओजस्वी बातें उन्होंने इस अपने बयान में की हैं, अपनी इन बातों में की हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनाता हूँ मैं आप लोगों को उसको वीडियो के माध्यम से। अर्णम गोस्वामी, ए अर्णम गोस्वामी, कहाँ है रे भड़वे? हाँ, कहाँ है तू दल्ले? कहाँ है तू? अब चिल्लाएगा नहीं? हाँ, नहीं चिल्लाएगा? हाथरस की बेटी मनीषा का बलात्कार होता है, दरिंदगी होती है उसके साथ। क्यों रे भड़वे? अर्णम गोस्वामी, कहाँ है तू? कहाँ छुप के बैठा है रे साले? आना मीडिया में, आ डिबेट करना। तेरी बेटी नहीं है ना? हाँ, तेरी बेटी के साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई ना, इसलिए तुझे वो चोट नहीं लग रही है ना, फील नहीं हो रहा है ना? हाँ, कंगना के लिए तेरी आवाज उठती है ना? हाँ, और प्रधानमंत्री मोदी, कहाँ हो तुम? क्यों, कंगना तुम्हारी बेटी है क्या? सुरक्षा दी जा रही है उसको? एक छज्जा तोड़ने पर ये दलाल मीडिया बवाल मचा देती है। हाँ, और योगी आदित्यनाथ, कहाँ हो आप? कहाँ हो? जवाब दो, जवाब दो। देश की बेटी आपसे जवाब मांग रही है, कई दिनों से, महीनों से, सालों से सुरक्षा मांग रही है आपसे। अब सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा लेकर आए थे आप? हाँ, क्या कर रहे हो? नहीं संभल रहा है देश, नहीं संभल रही है बेटियों की इज्जत। उतर जाओ कुर्सी से, जाओ माला जपो आप, भगवा पहना है तो जाके पूजा करो। अरे शर्म आती है कि नहीं? इतनी दरिंदगी हो रही है, एक 19 साल की बच्ची गैंग रेप होता है, जबान काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी जाती है, इतनी दरिंदगी, और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। हाँ, स्मृति ईरानी, कहाँ है तू रे हथनी? कहाँ है तू स्मृति ईरानी? कहाँ है तू महिलाओं के बात करने वाली? क्या भाजपा में बहुत सुख मिल गया तुझे? भूल गई बेटियों की तकलीफ? हथनी पर मगरमच्छ के आंसू रोने वाली स्मृति ईरानी, कहाँ तू छुपके बैठी है? हाँ, कहाँ है सब भाजपा की जितनी महिलाएं नेत्री थी सब, कहाँ है? कोई आगे नहीं आएगा, तुम सबकी बेटियां नहीं थी ना? कलेजे में वो तीर नहीं घुस रहा तुम्हारे? हाँ, और सब अंधभक्त गोबर साले भड़वे, कहाँ है सब? हाँ, गोबर भक्त जो ये सरकार लाए, सरकार की जिम्मेदारी गोबर भक्तों की भी है। हाँ, अब दरिंदगी नहीं दिख रही है बेटियों के साथ, कलेजा कांप नहीं रहा है उनकी हालत देखकर। अरे वो गरीब है ना, तकलीफ नहीं होगी इनको? इनको सब रिश्वत मिलती है, सब भड़वे दल्ले जितने हैं चाटुकार सब, पत्रकार मीडिया में हो हल्ला मचाते हैं। रे अर्णव गोस्वामी, आ साले तू मेरे सामने भड़वे आ डिबेट करेगा? बेटियों पे डिबेट नहीं हो रही है भड़वे से, चाटुकार साला बाद में सोचता है कि महिला शालीनता से बात करे। रे चुप साले, क्या साबित करना चाहते हैं साले? बड़ा चेक पा जाते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कोई लेना देना नहीं है बेटियों से, बेटियों की इज्जत से। इतनी दरिंदगी हो रही है उत्तर प्रदेश में, अभी भी ये सरकार
अपनी तशरीफ चिपकाए बैठी है कुर्सी के साथ, जवाब नहीं, हाँ कोई कार्यवाही नहीं। ठोक देंगे नीति अपनाने वाले, कहाँ ठोक रहे हो तुम लोग, कहाँ ठोक रहे हो? कोई डर नहीं रहा तुमसे, अपराध रुक नहीं रहा तुमसे, कुछ नहीं होने वाला तुमसे, उतर जाओ कुर्सी से। भारत को गंदा करने वाले सबके सब, मैं देशवासियों से एक बात कह दूं कि तुम्हारा कलेजा नहीं कांपता क्या? तुम लोग आवाज नहीं उठाओगे क्या? हाँ, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे? कल को तुम्हारे घर तक वो बात पहुंचेगी, क्या कर लोगे? कुछ नहीं करेगी ये सरकार, सब चाटुकार पड़े हुए हैं। पैसे दे देंगे, केस दबा देंगे, लेकिन वो जो दर्द वो तकलीफ तुम्हें जो होगी, तुम्हारी बेटियों को होगी, कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा इसके लिए? मैं तो उठाऊंगी। मेरे कई दिनों से मेरा गला खराब हो गया है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूं, लेकिन नहीं रुकेगी मेरी आवाज। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों काजल निषाद कुछ बोली नहीं, मैं फिर भी बोलूंगी, लेकिन तुम लोग तो सब चुप हो। क्या करोगे ऐसे सरकार को पूज कर? आए दिन हत्या, आए दिन बलात्कार, किसान खुश नहीं, युवा खुश नहीं, भारत खुश नहीं, बर्बाद हो रहा है, और तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे? ये हम सबका भारत है, इसे हम खराब नहीं होने देंगे, इसे हम लूटने नहीं देंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम सरकार के कानों के पर्दे फाड़ डालेंगे अपने आवाज उठाकर। एकजुट हो जाइए मेरे भारतवासी सब, एकजुट हो जाइए, दौड़ा दौड़ा के मारिए साले सब भाजपाइयों को, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं तो वो रेप किया था उन्नाव वाला नेता, कुछ नहीं होता उसका? और आपको क्या लगता है मान सम्मान देंगे ऐसे भरवों को, ऐसे दल्लों को? बेटियों की इज्जत तार तार करेंगे, जिस महिला के अंदर से निकला उसको गंदा करेंगे, उसको मान सम्मान देंगे? हाँ, भरवा नहीं बोलेंगे, दल्ला नहीं बोलेंगे? तो ये शालीनता आप लोग रखिए, मुझसे नहीं होगा। अर्नम गोस्वामी, ए अर्नम गोस्वामी, कहाँ है रे भड़वे? हाँ, कहाँ है तू दल्ले, कहाँ है तू? अब चिल्लाएगा नहीं? हाँ, नहीं चिल्लाएगा? हाथरस की बेटी मनीषा का बलात्कार होता है, दरिंदगी होती है उसके साथ, क्यों रे भड़वे? अर्नम गोस्वामी, कहाँ है तू, कहाँ छुप के बैठा है रे साले? आना मीडिया में, आ डिबेट करना। तेरी बेटी नहीं है ना? हाँ, तेरी बेटी के साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई ना, इसलिए तुझे वो चोट नहीं लग रही है ना, फील नहीं हो रहा है ना? हाँ, कंगना के लिए तेरी आवाज उठती है ना? हाँ, और प्रधानमंत्री मोदी कहाँ हो तुम? क्यों, कंगना तुम्हारी बेटी है क्या? सुरक्षा दी जा रही है उसको? एक छज्जा तोड़ने पर ये दलाल मीडिया बवाल मचा देती है। हाँ, और योगी आदित्यनाथ कहाँ हो आप? कहाँ हो? जवाब दो, जवाब दो, देश की बेटी आपसे जवाब मांग रही है, कई दिनों से, महीनों से, सालों से सुरक्षा मांग रही है आपसे, अब सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा लेकर आए थे आप? हाँ, क्या कर रहे हो? नहीं संभल रहा है देश, नहीं संभल रही है बेटियों की इज्जत, उतर जाओ कुर्सी से, जाओ माला जपो, आप भगवा पहना है तो जाके पूजा करो। अरे शर्म आती है कि नहीं, इतनी दरिंदगी हो रही है, एक 19 साल की बच्ची गैंग रेप होता है, जबान काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी जाती है, इतनी दरिंदगी, और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। हाँ, स्मृति ईरानी कहाँ है तू रे हथनी, कहाँ है तू स्मृति ईरानी, कहाँ है तू? महिलाओं के बात करने वाली,
क्या भाजपा में बहुत सुख मिल गया तुझे, भूल गई बेटियों की तकलीफ। हथनी पर मगरमच्छ के आंसू रोने वाली स्मृति ईरानी कहां तू छुपके बैठी है, हां कहां है सब भाजपा की जितनी महिलाएं नेत्री थी सब, कहां है? कोई आगे नहीं आएगा, तुम सबकी बेटियां नहीं थी ना? कलेजे में वो तीर नहीं घुस रहा तुम्हारे, हां? और सब अंधभक्त गोबर साले भड़वे कहां है सब, हां गोबर भक्त जो ये सरकार लाए, सरकार की जिम्मेदारी गोबर भक्तों की भी है, हां? अब दरिंदगी नहीं दिख रही है बेटियों के साथ, कलेजा कांप नहीं रहा है उनकी हालत देखकर। अरे वो गरीब है ना, तकलीफ नहीं होगी इनको, इनको सब रिश्वत मिलती है, सब भड़वे दल्ले जितने हैं चाटुकार सब पत्रकार मीडिया में हो हल्ला मचाते हैं। रे अर्णव गोस्वामी आ साले तू मेरे सामने भड़वे आ डिबेट करेगा, बेटियों पे डिबेट नहीं हो रही है भड़वे से, चाटुकार साला बाद में सोचता है कि महिला शालीनता से बात करे। रे चुप क्या साबित करना चाहते साले, बड़ा चेक पा जाते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कोई लेना देना नहीं है बेटियों से, बेटियों की इज्जत से। इतनी दरिंदगी हो रही है उत्तर प्रदेश में, अभी भी ये सरकार अपनी तशरीफ चिपकाए बैठी है कुर्सी के साथ, जवाब नहीं, हाँ कोई कार्यवाही नहीं, ठोक देंगे नीति अपनाने वाले। कहां ठोक रहे हो तुम लोग, कहां ठोक रहे हो? कोई डर नहीं रहा तुमसे, अपराध रुक नहीं रहा तुमसे, कुछ नहीं होने वाला तुमसे, उतर जाओ कुर्सी से, भारत को गंदा करने वाले सबके सब। मैं देशवासियों से एक बात कह दूं कि तुम्हारा कलेजा नहीं कांपता क्या? तुम लोग आवाज नहीं उठाओगे क्या? हाँ तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे? कल को तुम्हारे घर तक वो बात पहुंचेगी, क्या कर लोगे? कुछ नहीं करेगी ये सरकार, सब चाटुकार पड़े हुए हैं, पैसे दे देंगे केस दबा देंगे, लेकिन वो जो दर्द वो तकलीफ तुम्हें जो होगी तुम्हारी बेटियों को होगी, कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा इसके लिए? मैं तो उठाऊंगी, मेरे कई दिनों से मेरा गला खराब हो गया है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूं, लेकिन नहीं रुकेगी मेरी आवाज। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों काजल निषाद कुछ बोली नहीं, मैं फिर भी बोलूंगी, लेकिन तुम लोग तो सब चुप हो, क्या करोगे ऐसे सरकार को पूज कर? आए दिन हत्या, आए दिन बलात्कार, किसान खुश नहीं, युवा खुश नहीं, भारत खुश नहीं, बर्बाद हो रहा है, और तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे? ये हम सबका भारत है, इसे हम खराब नहीं होने देंगे, इसे हम लूटने नहीं देंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम सरकार के कानों के पर्दे फाड़ डालेंगे अपने आवाज उठाकर। एकजुट हो जाइए मेरे भारतवासी सब, एकजुट हो जाइए, दौड़ा दौड़ा के मारिए साले सब भाजपाइयों को, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं तो वो रेप किया था उन्नाव वाला नेता, कुछ नहीं होता उसका, हुँ? और आपको क्या लगता है मान सम्मान देंगे ऐसे भड़वों को, ऐसे दल्लों को? बेटियों की इज्जत तार तार करेंगे, जिस महिला के अंदर से निकला उसको गंदा करेंगे, उसको मान सम्मान देंगे, हा? भड़वा नहीं बोलेंगे, दल्ला नहीं बोलेंगे। तो ये शालीनता आप लोग रखिए, मुझसे नहीं होगा। अर्णम गोस्वामी, ए अर्णम गोस्वामी कहां है रे भड़वे, हां कहां है तू दल्ले, कहां है तू? अब चिल्लाएगा नहीं, हां नहीं चिल्लाएगा? हाथरस की बेटी मनीषा का बलात्कार होता है, दरिंदगी होती है उसके साथ, क्यों रे भड़वे? अर्णम गोस्वामी कहां है तू, कहां छुप के बैठा है रे साले? आना मीडिया में, आ डिबेट करना, तेरी बेटी नहीं है ना, हाँ तेरी बेटी के साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई ना, इसलिए तुझे वो चोट नहीं लग रही है ना,
फील नहीं हो रहा है ना? हाँ, कंगना के लिए तेरी आवाज उठती है ना? हाँ, और प्रधानमंत्री मोदी कहाँ हो तुम? क्यों, कंगना तुम्हारी बेटी है क्या? सुरक्षा दी जा रही है उसको? एक छज्जा तोड़ने पर ये दलाल मीडिया बवाल मचा देती है। हाँ, और योगी आदित्यनाथ कहाँ हो आप? कहाँ हो? जवाब दो, जवाब दो। देश की बेटी आपसे जवाब मांग रही है, कई दिनों से, महीनों से, सालों से सुरक्षा मांग रही है आपसे। अब सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा लेकर आए थे आप? हाँ, क्या कर रहे हो? नहीं संभल रहा है देश, नहीं संभल रही है बेटियों की इज्जत। उतर जाओ कुर्सी से, जाओ माला जपो आप, भगवा पहना है तो जाके पूजा करो। अरे शर्म आती है कि नहीं? इतनी दरिंदगी हो रही है, एक 19 साल की बच्ची गैंग रेप होता है, जबान काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी जाती है, इतनी दरिंदगी, और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। हाँ स्मृति ईरानी कहां है तू रे हथनी? कहां है तू स्मृति ईरानी? कहां है तू महिलाओं के बात करने वाली? क्या भाजपा में बहुत सुख मिल गया तुझे? भूल गई बेटियों की तकलीफ? हथनी पर मगरमच्छ के आंसू रोने वाली स्मृति ईरानी कहां तू छुपके बैठी है? हाँ, कहां है सब भाजपा की जितनी महिलाएं नेत्री थी सब, कहां है? कोई आगे नहीं आएगा, तुम सबकी बेटियां नहीं थी ना? कलेजे में वो तीर नहीं घुस रहा तुम्हारे? हाँ, और सब अंधभक्त गोबर साले भड़वे कहां है सब? हाँ, गोबर भक्त जो ये सरकार लाए, सरकार की जिम्मेदारी गोबर भक्तों की भी है। हाँ, अब दरिंदगी नहीं दिख रही है बेटियों के साथ, कलेजा कांप नहीं रहा है उनकी हालत देखकर। अरे वो गरीब है ना, तकलीफ नहीं होगी इनको, इनको सब रिश्वत मिलती है, सब भड़वे दल्ले जितने हैं चाटुकार सब पत्रकार मीडिया में हो हल्ला मचाते हैं। रे अर्णव गोस्वामी, आ साले तू मेरे सामने भड़वे आ डिबेट करेगा? बेटियों पे डिबेट नहीं हो रही है भड़वे से, चाटुकार साला बाद में सोचता है कि महिला शालीनता से बात करे। रे चुप साले, क्या साबित करना चाहते साले? बड़ा चेक पा जाते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कोई लेना देना नहीं है बेटियों से, बेटियों की इज्जत से। इतनी दरिंदगी हो रही है उत्तर प्रदेश में, अभी भी ये सरकार अपनी तशरीफ चिपकाए बैठी है कुर्सी के साथ, जवाब नहीं। हाँ, कोई कार्यवाही नहीं, ठोक देंगे नीति अपनाने वाले। कहां ठोक रहे हो तुम लोग, कहां ठोक रहे हो? कोई डर नहीं रहा तुमसे, अपराध रुक नहीं रहा तुमसे, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। उतर जाओ कुर्सी से, भारत को गंदा करने वाले सबके सब। मैं देशवासियों से एक बात कह दूं कि तुम्हारा कलेजा नहीं कांपता क्या? तुम लोग आवाज नहीं उठाओगे क्या? हाँ, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे? कल को तुम्हारे घर तक वो बात पहुंचेगी, क्या कर लोगे? कुछ नहीं करेगी ये सरकार, सब चाटुकार पड़े हुए हैं। पैसे दे देंगे, केस दबा देंगे, लेकिन वो जो दर्द वो तकलीफ तुम्हें जो होगी, तुम्हारी बेटियों को होगी, कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा इसके लिए? मैं तो उठाऊंगी, मेरे कई दिनों से मेरा गला खराब हो गया है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूं, लेकिन नहीं रुकेगी मेरी आवाज। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों काजल निषाद कुछ बोली नहीं, मैं फिर भी बोलूंगी, लेकिन तुम लोग तो सब चुप हो। क्या करोगे ऐसे सरकार को पूज कर? आए दिन हत्या, आए दिन बलात्कार, किसान खुश नहीं, युवा खुश नहीं, भारत खुश नहीं, बर्बाद हो रहा है, और तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे? ये हम सबका भारत है, इसे हम खराब नहीं होने देंगे, इसे हम लूटने नहीं देंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम सरकार के कानों के पर्दे फाड़ डालेंगे अपने आवाज उठाकर।
एकजुट हो जाइए मेरे भारतवासी, सब एकजुट हो जाइए, दौड़ा दौड़ा के मारिए साले सब भाजपाइयों को, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं तो वो रेप किया था उन्नाव वाला नेता, कुछ नहीं होता उसका। और आपको क्या लगता है मान सम्मान देंगे ऐसे भरवों को, ऐसे दल्लों को? बेटियों की इज्जत तार तार करेंगे, जिस महिला के अंदर से निकला उसको गंदा करेंगे, उसको मान सम्मान देंगे? भरवा नहीं बोलेंगे, दल्ला नहीं बोलेंगे? तो ये शालीनता आप लोग रखिए, मुझसे नहीं होगा।